हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक व पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने आज दिल्ली पहुंचकर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का हालचाल जाना और पिछले दो महीने से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं की खुले दिल से प्रशंसा भी की। इस दौरान निर्मल सिंह ने सरकार पर जमकर तंज भी कसे और कहा कि धरने पर बैठे किसानों को अपमानजनक शब्द कहना भाजपा सरकार की मानसिकता को दर्शाता है और देश अपने अन्नदाता के इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका किसान अपने अपने संगठनों और तिरंगा झंडा लेके एक बहुत बड़ी लड़ाई, निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। जो किसानियत की लड़ाई जो संगठन लड़ते रहे, जो छोटी बड़ी पार्टियों के लीडर हैं जिनका विजन जो है प्रो फार्मर है, उन सब के लिए आज ये जो है एक इम्तिहान की घड़ी है और ये धर्मयुद्ध है, निर्णायक युद्ध है। महाभारत के बाद आज एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी जो निर्णायक होगी। मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि उनको मुबारक हो, वो इतिहास दोहरा रहे हैं और उन लोगों के नाम उनकी आत्माएं आज प्रसन्न है जो आज़ादी के लिए कभी और कभी लड़े हैं और शहादतें दी हैं। उन सबका आशीर्वाद आपके सर पे है। मोदी सरकार के जो निर्णायक निर्णय है ये उसको वापस लेने पड़ेंगे। अच्छी बात तो ये है कि वो जितनी जल्दी उसके माफ़ी मांग के और अपने ये वापस ले ले। आज पूरे देश के मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अपने राजनीतिक जीवन में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं देखा है। हर बच्चे बच्चे की जुबान पे अगर आप आज पीछे बैठे हो तो बहुत करोड़ों लोग आपके पीछे खड़े हैं। कोई जो गांव में छोटे छोटे छोटा काम करता है और हर वर्ग ये समझता है कि किसान आज लड़ाई लड़ रहा है और कल उपभोक्ता रोएगा।